सैम काजल। आई एम सागर। आज हम रिएक्शन करने वाले हैं हसी टीवी का एक वीडियो है, रियलिटी ऑफ दिस नट्स। तो तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं। रोजे रखेंगे रखेंगे हम सब रोजे, रब का दीवाना क्या बोले है सुन 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 सुन। मिला नजरों को दिल को करार, ढूंढते हैं आज सभी रोजादार। माहे रमजा आ गया, फिर माहे रमजा आ गया। रमजा बकवास बंद करो, तुम्हारी ऐसी नहीं तैसी। अस्तगफिरुल्लाह। दोस्तों ये जो कुछ आप सुन रहे हैं ये नाते नहीं बल्कि दीन इस्लाम और नातों का मजाक उड़ाने वाला म्यूजिक है, जो कि गानों की धुनों पर जानबूझकर बनाया जाता है, जिसे चंद मखसूस लोगों का ग्रोह जानबूझकर इस्लामिक म्यूजिक का नाम देता है। और ये कोई एक दो नातों की बात नहीं है बल्कि इस तरह की कई सो कॉल्ड नाते इंटरनेट पर मौजूद हैं, खासतौर पर यूट्यूब पर, जिन्हें गानों की धुनों पर बनाया गया है, जिसका मतलब कि एक मुनज्जम ग्रोह जानबूझकर इस पर काम कर रहा है। और ये मौजूदा दौर का बहुत बड़ा फितना है जिसके ज़रिए मुसलमानों के दिल से नात की अहमियत, इसकी फजीलत और इसका मकसद तक ख़त्म किया जा रहा है। ये ग्रोह मुसलमानों का लिबादा ओढ़कर खुद को मुसलमान जाहिर करके जानबूझकर इस एजेंडा पर काम कर रहा है, जिसे इंडिया से खास तौर पर ऑपरेट किया जा रहा है। और इन नातों को बाकायदा म्यूज़िक कंपनियां पब्लिश कर रही हैं, बल्कि इंडिया की क्या बात करें, खुद हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी ये ट्रेंड शुरू हो चुका है। आपको याद होगा कि एक वक्त था कि हमारी सुबह की शुरुआत पीटीवी पर नशर होने वाले एक नातिया कलाम को सुनकर हुआ करती थी, जो कि बचपन में हम लोग सुनते थे। और इस वक्त ना तो इसके अंदर कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक था और ना ही बैकग्राउंड पर चलने वाला कोई भी जिक्र इसके अंदर किसी भी तरह से शामिल था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड बदलने लगा और जिक्र को बैकग्राउंड म्यूज़िक के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा, जिससे इस नात को सुनने वालों की तमाम तवज्जो इस नातिया कलाम से हटकर इसके बैकग्राउंड पर फोकस होने लगी। वो नातिया कलाम या हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में बोले गए अल्फाज, जिसे सुनकर इंसान रोज़े रसूल के सामने खुद को हाजिर पाता था, इसके दिल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजीद मोहब्बत और इनके दीदार की तड़प जागती थी, इस नात का मकसद ही फोत हो गया। यही वजह है कि आज इन नातों का ये म्यार रह गया है कि मैं हूँ सुन्नी कादरी टन टना टन जैसे वाहियात फिक्रे हमें नातिया कलाम के तौर पर सुनने को मिलते हैं, जिनका ना तो कोई मकसद है और ना ही इन्हें नाते कह सकते हैं। मैं हूं कादरी सुन्नी टन टन टना टन। तकलीफ होती है तुझे मिर्चें भी लगती हैं, तकलीफ तो होती है। क्योंकि नात इस्तलाही मानों के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ को कहा जाता है। नात की तारीख इतनी ही पुरानी है जितनी दीन इस्लाम की तारीख है। खुद कुरान करीम में अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ कुछ इस तरह से फरमाई, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। दोस्तों मदीना तशरीफ आवरी के मौके पर जिस तरह से और जिस अंदाज से अंसार मदीना ने डफ बजा कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करके आपका इस्तकबाल किया, इससे कौन वाकिफ नहीं है। सहाबी रसूल हजरत हसन बिन साबित एक नात खान शायर थे, जिनके बाद मुसलमानों के अंदर नात गोई का एक ऐसा लामतनाही सिलसिला शुरू हुआ जो कि इंशाल्लाह क़यामत तक जारी रहेगा। अरबी, फारसी और उर्दू में लातदाद नातिया कलाम मौजूद हैं, जिससे हमारे कान और निगाहें बचपन से ही मानूस हैं। उर्दू जबान के अंदर नात का एक नया पहलू यह भी है कि बेशुमार हिंदू और सिख शोरा ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का बेलोस इजहार अपने शायराना कलाम के अंदर किया है। मसलन एक सिख शायर महेंद्र सिंह बेदी ने बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर अपना हदीय तबर्रु कुछ इस अंदाज के अंदर पहुंचाया, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पर अजारा तो नहीं। हम किसी दिन से हो कायल किरदार तो है, हम सना आसान शहे है दर कर्रार तो है, नाम लेवा है मोहम्मद के परस्तार तो है, यानी मजबूर पाए अहमद मुख्तार तो हैं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा पे सहारों का खुदा के वो दुलारे हैं, समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम
ना करना नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। अगरचे मुसलमानों में मजहबी रुझान रखने वाले शोरा ने अपने अपने अंदाज में नातिया कलाम कहे हैं, लेकिन मौलाना अहमद रजा खान साहब ने जितनी तादाद के अंदर नातिया शार कहे हैं शायद ही किसी और ने कहे हों। ये बात तो यकीनी है कि इनके नातिया कलाम को उर्दू जबान के अंदर जितनी पजीराई मिली है इतनी किसी और के कलाम को नहीं मिली। इनके बाज़ अशार से यकीनन आपको इख्तलाफ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ ये बात भी मानने की है कि इनके जिस कलाम से इख्तलाफ नहीं है वो अपने शायराना असलूब और बयान के अंदर अपनी मिसाल आप हैं। लेकिन आज इस नातिया कलाम के मकसद को म्यूज़िक के साथ शामिल करके और ख़ास तौर पर इस फितना को फॉलो करते हुए जो कि इंडिया के अंदर से शुरू हुआ गानों की धुनों पर शामिल करके ख़त्म कर दिया गया, और बदकिस्मती से हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी हिंदुओं के इन भजनों ठुमरियों और फिल्मी गानों से मुतासिर होकर इस तरह के नातिया कलाम पेश किए जा रहे हैं कि ये फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है कि ये कोई नात है या कोई फिल्मी गाना। आपको क्या लगता है कि इस तरह के नातिया कलाम सुनने पर आपका दिमाग हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत की तरह मुतवज्जो होगा? आप नात को सुनते हुए वही सरूर और सुकून महसूस करेंगे जो कि नात का मकसद है, या फिर जिस फिल्म के म्यूज़िक पर या गाने पर इस नातिया कलाम को बनाया गया है आप इसके बारे में सोचने लगेंगे? जाहिर है कि अगर आपने इस गाने को पहले ही सुन रखा होगा तो आप सबसे पहले इसी के बारे में सोचेंगे, जिसके बाद इस नात का कोई मकसद ही नहीं रह जाएगा। और यही तो इन फितना परवर लोगों का काम है कि आपके दिल से नात की अहमियत को और इसके मकसद को नातों का मजाक बनाकर ख़त्म कर देना, जो कि आजकल की नातों के अंदर किया जा रहा है, और इनके अंदर और भारतीय फिल्मी गानों के अंदर कोई फ़र्क नज़र नहीं आता, बल्कि पूरी जानकार और साजों के साथ भारतीय गानों की तर्जों पर बिना मानी अल्फाज को लिरिक्स बनाकर इसको नात का नाम दे दिया गया है, जिसके अंदर बिलामूम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसीफ से ज़्यादा इनका मकसद एक दूसरे के मसलक पर कीचड़ उछालना, इनकी तजीक और तजलील करना और दाद वसूल करना है। इस तरह की नातों को तो नात कहना भी नात की तोहीन है। लेकिन ये बताना भी ज़रूरी है कि फिल्मी गानों पर नातों की तर्जें बिठाने का ये सिलसिला इतना नया भी नहीं है। मैं आपको ऐसी नातों की मिसालें देता हूँ जो कि मशहूर गानों की तर्जों को चुरा कर बनाई गई हैं। मिसाल के तौर पर कभी देखूँ मैं मदीना, ये नात मशहूर भारतीय गीत यूं ही कोई मिल गया था की तर्ज पर पड़ी गई है और इसके मौसीकार गुलाम मोहम्मद हैं। कभी देखूं मैं मदीना मेरे आका कमली वाले चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। इसके बाद दर पर बुलाओ मक्की मदनी, ये नात मशहूर गीत घर आया मेरा परदेसी की तर्ज पर बनाई गई है जिसके मौसीकार शंकर जय किशन है। इसके बाद ये नात, रोशन मेरी तुर्बत को ए नूरे खुदा करना, ये नात मशहूर भारतीय गीत बचपन की मोहब्बत को की तर्ज पर बनाई गई है जिसके मौसीकार नौशाद हैं। इसके बाद हो तमन्ना और क्या, ये तर्ज निसार बर्मी की है और दरअसल एक गीत ही है जिसको नात बनाकर पेश किया गया है, और इस गाने के शायर फजल करीम फाजली हैं। इसके अलावा आजकल के नातों के दौर का डेमो तो आप देख ही चुके हैं जिनका ना कोई सर है ना कोई पैर, और ये सिलसिला वक्त के साथ मुसलसल बढ़ता ही जा रहा है, जिसको हमें तमाम मुसलमानों को बताने की ज़रूरत है इससे पहले कि वो इनको सुन सुनकर इसके आदि हो जाएँ और इसे एक्सेप्ट करने लगें। ये तमाम नातें इस दौर के अंदर फिल्मी तर्ज पर तरतीब दी गई थी, लेकिन सोचने की बात यह है कि नातों को इस तरह से बिगाड़ने का ये सिलसिला आखिर क्यों शुरू हुआ? इसका सादा सा जवाब यह है कि जब से नात खानी को एक पेशा बनाया गया और एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया गया तब से यह मुकद्दस काम भी कमर्शियल हो गया है। यहाँ तक कि ज़्यादातर नात खान हजरात जिनके महफिल नात के अंदर शिरकत करने के लाखों रुपए मखसूस रेट हैं और इसके अलावा प्रोटोकॉल अलग है, और ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए फिल्मी तर्ज के गानों से मुतासिर होकर जदीद नातों को मुकम्मल तौर पर धूम धड़के और फिल्मी तर्जों के साथ शामिल कर दिया गया, जिसके बाद नात गोई का तकद्दस बिल्कुल नापैद हो गया है और आज भी इस फन को किसी मसीहा की ज़रूरत है। अगर हमने इस चीज़ को सीरियसली ना लिया तो हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर लोग इससे मुसलसल गुमराह होने लगें और आने वाले वक्तों के अंदर ये फ़न बिल्कुल ही बेमकसद होता जाए। दोस्तों, जिस भी दौर के अंदर मुसलमान गुमराह होने लगते हैं या फिर खुद से दीन के अंदर बिदत को शामिल करने लगते हैं तो अल्लाह पाक इनकी हिदायत के लिए रसूल या पैगम्बर भेजते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का सिलसिला तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये फ़र्ज़ आपकी उम्मत को यानी कि हम लोगों को खुद निभाना है, आपको मुझे और आपके आसपास लोगों को।
इसलिए जितना हो सके जहां पर भी आप इस तरह के नातों को देखें इन्हें कंडेम करें, इनकी हकीकत लोगों को बताएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जान सकें और इन्हें सुनकर अपना ईमान खराब ना करें। अगर आप मेरी इस बात से इतफाक करते हैं तो इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ अवेयरनेस के तौर पर भी जरूर शेयर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़। बहुत अच्छा वीडियो था ना? सच में बहुत ही अच्छा वीडियो था और मुझे भी ऐसा ही लगता है जिन्होंने जो लास्ट में कहा कि नातों को ऐसा बिगाड़ना नहीं चाहिए कि पिक्चर की धुन ली जाए, पिक्चर के हिट सॉन्ग की और नात बना दी जाए, क्योंकि लोगों का आकर्षण मेरे ख्याल से उसी के ऊपर होता है कि असल गाना कौन सा है उसी के ऊपर। हाँ, वो तो इसकी वजह से उनको याद रहते हैं बाद में, लेकिन गाने को पहले याद करेंगे। हाँ, तो ये गलत बात है ना। ये तो दिल से मतलब ये जानकारी दे रही थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो बहुत हमें भी ऐसी बातें मतलब पहली बार पता चली कि इंडियन सॉन्ग्स जो अभी लास्ट में जो बताई इन्होंने, दो तीन इंडियन सॉन्ग्स बहुत पुराने हैं, वो तो मुझे आते भी नहीं है। हाँ। और मैंने बहुत दिन हो गया अभी देख के, क्योंकि वो जब पहले नहीं है। पहले जब वो टीवी होता था ब्लैक एंड व्हाइट, तब आते थे ऐसे गाने संडे को रंगोली नाम के। कौन कौन से मतलब कौन कौन से गाने को भगवान के गाने से जोड़ देते हैं, तो ये और इतनी मशहूर नाच मतलब कॉपी की गई है गानों से, तो ये तो बहुत ही बुरी बात है। क्योंकि इतना भी मुश्किल नहीं है धुन बनाना, अगर आप अल्लाह से सच में प्यार करते हैं तो अपने मन से धुन अपने आप निकल जाएगी। सिर्फ आपको मतलब अल्लाह से प्यार का इजहार करना है, तो अपने आप मुंह से अपने आप उसको नात को आप गाने में पिरो सकते हैं। लेकिन बॉलीवुड की ही सॉन्ग के वो जो है लिरिक्स और क्या बोलते हैं धुन वही लेना, तो ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि बॉलीवुड के सॉन्ग तो बॉलीवुड के सॉन्ग होते हैं और भगवान के सॉन्ग भगवान के होते हैं। कुछ कुछ तो ऐसे सॉन्ग्स है जो मतलब आइटम नंबर किए गए है। हाँ। एक जो बीच में आपने देखा हो जो लड़की बैठी थी। हाँ। ड्रेस पहन के, वो आइटम नंबर था, पर इस गाने को नात में लिया गया, इसका तो बहुत बुरा मतलब अर्थ होता है ना कि भगवान के लिए आप नात गाते और उसको बॉलीवुड से चुराया गया और इतनी अजीब तरीके से मतलब उसको पर दर्शाया गया गाना को नात में लेना। तो बहुत अच्छा वीडियो था, तो चलिए अगली वीडियो मिलते हैं।